For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys, this is Chotiy Nahak and welcome to Movies Adda. Mahira Sharma फंस चुकी हैं बड़ी कंट्रोवर्सी में, एक बड़ी प्रॉब्लम में। जी हाँ, अब वो प्रॉब्लम क्या है चलिए आपको बताती हूँ। हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड्स हुए थे, जहाँ पर हमें टेलीविजन के काफी लोग नजर आए, जैसे कि रश्मि देसाई बिग बॉस से निकल कर वहाँ पहुंची और साथ ही साथ हमें फिर माहिरा भी नजर आई। ऐसे में वो अवार्ड फंक्शन खत्म होने के बाद माहिरा ने अपने सोशल मीडिया साइट पर इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की, जहां उन्होंने दादा साहब फाल्के बेस्ट मोस्ट फैशनेबल कंटेस्टेंट बिग बॉस सीजन 13 का एक अवार्ड का पिक्चर शेयर किया और उन्होंने लिखा ब्लेस्ड। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि माहिरा ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसके तुरंत बाद यानी उसके थोड़ी देर बाद ही ऑफिशियल जो अकेडमी है दादा साहब फाल्के अवार्ड्स अकेडमी, उन्होंने एक नोट जारी किया जहां पर उन्होंने इस बात का कंफर्मेशन किया कि हमने माहिरा शर्मा को ऐसा कोई अवार्ड नहीं दिया है। वेल ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ है जो कि माहिरा शर्मा ने की है, अगर की है तो। और साथ ही साथ जैसे ही माहिरा ने वो फोटो डाली, काफ़ी सारे पब्लिकेशंस ने, काफ़ी सारे मीडिया हाउसेस ने उस फोटो को उठा लिया। अब यहाँ पर दादा साहब फाल्के अकेडमी के जो मेंबर्स है उन्होंने इस नोट में ये भी लिखा कि सारी पब्लिकेशंस को वो फोटो तुरंत हटानी पड़ेगी, बिकॉज इट इज़ अ वेरी प्रेस्टीजियस अवार्ड और ऐसे अवार्ड के साथ आप हंसी मजाक या मस्ती नहीं कर सकते कि आपको दिया गया है जबकि आपको नहीं दिया गया। अब इसके बाद से माहिरा ने जो है वो पोस्ट भी हटा दिया और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं उनको वार्निंग भी दी गई है। जी हाँ, माहिरा शर्मा को वार्निंग दी गई है, 48 आवर्स के अंदर अंदर उन्हें सॉरी पब्लिकली कहना पड़ेगा इस पोस्ट के लिए जो उन्होंने डाला था, और अगर वो नहीं कहती हैं तो उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। अब ये किस बड़ी मुसीबत में माहिरा फंस गई हैं, अब इससे कैसे निकलना है ये तो वही जाने, लेकिन अपडेट करना मेरा काम था और जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। दिस इज़ ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।